पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। ये जो परिवार व्यवहार जिम्मेदारी प्रारब्ध ये दुनिया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो मेरे दिलो दिमाग में छाया है, कोई ऐसी सीत प्रसादी मिल जाए कि ये सारी परवाह छोड़कर मैं भी ब्रज में आकर बस जाऊं तेरे पास। ओ जिसे पी के सारी दुनिया हो तेरे दर पे झूमती है। ओ जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। ओ प्यारे तेरे दर पे झूमती है। ओ प्यारे तेरे दर पे झूमती है। ओ प्यारे तेरे दर पे झूमती है। तेरे दर पे झूमती है। मेरे साकिया बता दे ओ मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी। ओ मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी। ऐसी कौन सी शराब, ऐसा कौन सा सुरूर कि तेरे भरोसे ब्रज में अखंड ब्रजवास कर रहे हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शाहों का शाह। एक ऐसा कोई संत मिले जो पूर्ण भरोसा मेरे अंदर आ जाए। अभी है नहीं, अभी मैं बड़ा सुंदर सत्संग सुन रही थी कि अंगद ने रावण के दरबार में जाकर पैर जमा दिया। और कहता है कि अगर मेरे इस पैर को किसी ने हिला दिया तो हम सीता को हार जाएंगे। रामचरितमानस में ये है। उन्होंने कहा कि देखो चुनौती भी किनको दे रहा है। वो लंकापति रावण जिसने कैलाश को उठा लिया, वो इंद्रजीत वहां बैठा है। ऐसे शूरवीरों के यहां जाकर अंगद चुनौती दे रहा है, ये उसका अभिमान नहीं है, उसका राम नाम पे भरोसा है। असी तेरे ते तू साडा असी एहो गरूर च रहने। असी तेरे तू साडा असी एहो गरूर च रहने। केवल राम नाम का भरोसा इतना था कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हम सीता को हार जाएंगे अगर कोई मेरा पैर हिला के दिखा दे। केवल राम नाम ऐसा कोई भरोसे वाला बढ़ाने वाला कोई संत जिनकी जूठन मिल जाए। रह रहे हैं ब्रज में अखंड ब्रजवास। ब्यास भरोसे कुबरी के सोवत पांव पसार। संसार क्या कहता है, परिवार वाले क्या कहते, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। ओ जिस पी के सारी
गया, लेकिन अब सहारा केवल तेरी कृपा का है, तेरी अहेतु की कृपा का है कि तू कैसे, क्योंकि प्यारे माना कि द्रौपदी की तुमने बचाई लाज। ताली से बजे से रहो, माना कि द्रौपदी की तुमने बचाई लाज, क्योंकि बहन भाई वाला रिश्ता तुम्हारा है, क्योंकि बहन भाई वाला रिश्ता तुम्हारा है। मान लिया जटायु को तुमने सुगति दी, मान लिया जटायु को तुमने सुगति दी, क्योंकि वाने सिया है तू प्राण वार डारा है, क्योंकि वाने सिया है तू प्राण वार डारा है। मान लिया नरसी का कर्ज चुकाया तूने, क्योंकि मनमोहन भक्त वो तुम्हारा है, क्योंकि रिश्तेदारी बिना भक्ति बिना रिश्वत लिए मुझको जो तारोगे तो जानूंगी कि तारा है, मुझको जो तारोगे तो मानूंगी कि तारा है, वो मुझको जो तारोगे तो जानूंगी कि तारा है, मुझको जो तारोगे तो मानूंगी कि तारा है। मेरा प्यारे एक तरफ ये भी है, क्योंकि हम संसारी हैं ना, साम दाम दंड वेद कैसे भी तुझे तेरे ब्रज में आना है, हमें तेरे पास आना है। कभी ऐसे भी चैलेंज करते हैं, और कभी ये भी लगता है कि तेरी रहमतों का जब ख्याल आता है, कृपा कम नहीं की है तूने, लेकिन कभी कभी जब ऊब जाते हैं संसार से तो तेरे को कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, शायद वो हेतु की कृपा में देरी ना हो जाए, जल्दी हो जाए। लेकिन हमें इतना भी पता है तेरी रहमतों का जब ख्याल आता है, मेरी बंदगी का वो सवाल आता है, तू कर रहा है रहमत असीम हम पर हम ही नहीं बन पाए जैसा तू चाहता है। तेरा प्यार अब तलक जो मुझे हो सका ना हासिल, समझा हूं मैं यकीनन कि मुझ में ही कुछ कमी है। इसीलिए प्यारे मेरा खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों ना फैले, लड़ू भी तो किससे, मेरा खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों ना फैले, मेरा खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों ना फैले। तू मालिक जहां है, तू मालिक जहां बेनयाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी तेरे यहां कमी नहीं। पर गिला दुख क्या है, जीने को जी रहा हूं मैं मालिक तेरे बगैर भी, जीने को जी रहा हूं मैं मालिक तेरे बगैर भी, पर जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। वो भी तो है
जो रात 2 घंटे इसलिए सोते हैं कि सुबह मंगला पे पहुंचना है। हाथ में छोटी सी लुटिया लिए दौड़े जा रहे, अरे श्री जी की मंगला निकल तो नहीं गई ना भैया, देखना। अरे नहीं नहीं अभी तो पट नहीं खुले हैं। आगे वाला देखते हैं, आवाज आ रही है राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक दूसरे को पछाड़ते टोलते जाए तोड़े जा रहे हैं, हम स्वामी जी के पहले जाके खड़े हो जाए। मंगला हो गई, महल की सोनी चल रही है, तैयारी करे बैठे। अरे हमारा घर है, पहले यहां की सोनी करनी है, सिंगार आरती करनी है। बड़ी मुश्किल से अपने कुटिया में जाते हैं और वहां भी जी नहीं लगता, फिर जैसे ही शाम के दर्शन संध्या आरती के दर्शन फिर दौड़े आते हैं एक एक संत करके, वो भी तो जी रहे हैं। जीने को जी रहा हूं मैं, परसों चर्चा कर रही थी दिल्ली में कि अपने जो 3 परिक्रमा वाले बाबा हैं, जब मैंने उनके दर्शन किए, यकीन मानना उनकी शरीर की आकृति बिगड़ चुकी है। एक तरफ कमर ऐसे झुक गई बिल्कुल टेढ़ी, लेकिन परिक्रमा लगानी नहीं छोड़ी, तेरे सरूर है। बोले माँ ये हमारा पागलपन है, हमारा पागलपन है, या तो वो आ जाए या हमें ले जाए, और जब तक नहीं तब तक हम इसके आसपास चक्कर काटते रहेंगे काटते रहेंगे। मैंने कहा बाबा आप स्वस्थ नहीं लग रहे हैं, आपकी कमर में दर्द है क्या? बिल्कुल आकृति ऐसी हो गई, और वो कुछ देर की दर्द नहीं थी, वो आकृति ऐसी बन गई परिक्रमा लगाते लगाते। और उस वक्त भी कोई ठाकुर जी से गिला शिकवा नहीं है, उनका जवाब इतना सुंदर, बोले माँ कोई ना कोई पाप आड़े आ रहा है, कोई ना कोई प्रारब्ध कोई बुरा कर्म आड़े आ रहा है, हो सकता है भजन ना बन रहा हो, इसलिए आप आशीर्वाद दो कि मेरा ये पाप कट जाए। ये उन संतों की दैन्यता देखो, इसीलिए प्यारे जीने को जी रहा हूं मैं, मालिक तेरे बगैर भी माना कि मैं गरीब हूं। गरीबी माया की नहीं, गरीबी भजन की, गरीबी काबिलियत की, गरीबी पात्रता की, कि हो सकता है मैं ही इतना पात्र नहीं हूं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, मेरा कोई ना कोई अपराध, मेरा कोई ना कोई गुनाह, मेरा कोई ना कोई पाप, शायद मैं श्री जी आपके बरसाते रहने के काबिल नहीं हो अभी। माना कि मैं गरीब हूं, माना कि मैं फकीर हूं, पर मुझसे ना ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं, सजदा करूं किसको बता जब तू ही सामने नहीं,
और मैं जानता हूं मैं कायले बंदगी तो हूं पर काबिले बंदगी नहीं। कायल तो हूं लेकिन काबिल नहीं हूं अभी तक, इसीलिए तुझसे दूर हूं। क्योंकि प्रीत ये कहती है कब पे कब उठाएगा तीरों पे तीर खाएगा, उफ न कर लबों को सी ये आशिकी है कोई दिल लगी नहीं। इनकी नजर मिली तो क्या उनकी नजर फिरी तो क्या, जिस बंदगी में होश हो वो बंदगी भी कोई बंदगी नहीं। हम गए उन्होंने तो हमारी ओर देखा ही नहीं, हम गए उन्होंने तो ठीक से बात नहीं की हमें पानी। अभी यही तुम्हारे अंदर है ब्रज में जाके तो प्यारे अभी होश है बंदगी में तो ये बंदगी नहीं है। इसलिए प्रार्थना करो प्यारे हो जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। हाँ